हे गाइज नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो या गाइज, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई फर्स्ट एवर क्यू एन ए सेशन। तो मेरे चैनल पे आपको अभी तक कोई भी क्यू एन ए नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मेरे 20K सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो मेरी लाइफ से, यूट्यूब से, किसी के बारे में भी, तो आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन कर दीजिए, मैं फॉर श्योर आपको करूंगी। तो यस, ऑलमोस्ट उसको 15 डेज हो चुके हैं और 15 डेज के बाद मैं आज आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूं। तो मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस ही है, एज मैं बहुत ज्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं हूं यार। तो जितने भी आए हैं, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू वेरी मच गाइज, आप लोगों ने इस क्यू एन ए सेशन में पार्टिसिपेट किया और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहा। सो या थैंक यू वेरी मच। सो चलिए फटाफट से मैं आपको आंसर करती हूं और जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि किसने पूछा है और क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सो या गाइस, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है पायल पटेल ने और उनका क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर यू गेट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, प्लीज टेल। तो मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी इंस्पायर्ड नहीं थी यूट्यूब चैनल के लिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर किया था। तो एक स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं मेरे कजिन की शादी थी तो मैं वहाँ पे उनकी जो लेडी संगीत होती है वहाँ पे मैं एंकरिंग कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे, जब मेरी शादी को आई थिंक 1 ईयर ही हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे देखा एंकरिंग करते हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम अच्छा बोलती हो, अच्छे से डिस्क्राइब करती हो चीज़ों को, तो तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हो। तो मुझे तब नहीं लगा था कि यार ऐसा सच है, मुझे लगा कि यार एक एंकरिंग करना अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने और एक कैमरे के सामने बैठ के आपको बोलना बहुत डिफरेंस होता है। बट फिर धीरे धीरे, पता नहीं, उनके कहने के बाद मुझे खुद को इंटरेस्ट आने लगा, मैं यूट्यूब वीडियोस काफ़ी देखने लगी थी और उसके बाद फिर मैंने जून 2019 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो या ये है मेरी स्टोरी एंड एज सच मैं कोई भी अदर यूट्यूबर्स को देख के कभी इंस्पायर नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं यूट्यूबर बन सकती हूँ। सो या तो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है अस तस्नीम ने, उनका क्वेश्चन है हाय, विच इज़ गुड एंड बेस्ट प्रोडक्ट लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन विच एक्चुअली वर्कड वेल फॉर यू। तो बेसिकली मैं बताऊँ तो मेरी जो स्किन है वो ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर डाले हैं, टॉप 5 मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, टोनर एंड फेस वॉश के बारे में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाके गो थ्रू कीजिए, आप वहाँ पे सारे वीडियोज़ अवेलेबल है एंड मोर ओवर मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो भी आपको मिल जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं अभी रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। सो या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है निदा खान ने, उनका है प्लीज़ दी अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं और आप यूट्यूबर कैसे बने, आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली ये बताइए। तो यार ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं यूट्यूबर कैसे बनी। बस मेरी जो एजुकेशन है दैट इज़ कि मैंने BCA किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड देन उसके बाद मैंने MCA किया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एंड या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एना कपूर ने, हाउ डू यू मैनेज टू बाय सो मैनी प्रोडक्ट्स एंड आई मीन डू यू वर्क समवेयर एंड व्हाट इज़ योर एक्चुअल प्रोफेशन। तो बेसिकली मेरा एक्चुअल प्रोफेशन पार्ट फुल टाइम मानो या पार्ट टाइम मानो यूट्यूब एंड मेरा घर ही है, यहीं पे मैं काम करती हूँ, तो एज सच मैं कहीं जॉब नहीं करती हूँ। एंड या आप कैसे मैनेज करती हूँ इतने सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो या बेसिकली मैं पहले जॉब करती थी एंड वो मेरी थोड़ी सी सेविंग हुई है और बाकी मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इसके कारण ही सारे प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं। तो आपका कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, कोई भी इंसान कुछ भी करे यार, उसका पार्टनर का, उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मैंडेटरी होता है। तो यस, बेसिकली मेरे हस्बैंड ही मुझे सपोर्ट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। सो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है रिया वर्मा ने और उनका ये है कि आपकी एजुकेशन क्या है दी, क्या आप अभी भी जॉब करते हो क्या, समथिंग अबाउट योर हस्बैंड एंड बेबी। तो या मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, मैं शादी से पहले मैंने 3 इयर्स तक IT कंपनी में जॉब किया है एंड शादी के बाद मैंने पुणे में एक कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ लेक्चरर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी फिर मैंने वो जॉब क्विट कर दी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में खड़े होके लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं था एंड मुझे वो टाइम इन्जॉय करना था, रेस्ट लेना था, तो मैंने जॉब को क्विट किया। एंड उसके बाद मैंने जैसे ही मेरा बेबी 2 इयर्स का हुआ उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो यस, मैं अभी जॉब नहीं करती हूँ, पहले करती थी। एंड आपके हस्बैंड एंड बेबी के बारे में बताइए। तो मेरा बेटा है वो 4 साल का है और उसका अभी जून से ही सेशन स्टार्ट हुआ है, LKG में है वो, एंड मेरे हस्बैंड एक IT कंपनी में पुणे में जॉब करते हैं।
सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है शर्मिस्ता पाल ने कि प्लीज शेयर मामा अर्थ हैप्पी हैंड शैम्पू रिव्यू. तो उसका आंसर मैं क्या करूँ यार, थोड़े टाइम में आपको मेरे चैनल पे इसका रिव्यू मिल जाएगा. एंड या जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नील्स माहेश्वरी ने कि दी आपकी स्पॉन्सरशिप के बारे में बताओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके नॉन स्पॉन्सर्ड होते हैं. यस, ऑलमोस्ट मेरे वीडियोज में आपको थंबनेल पे ही मिल जाएगा कि दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो. ऐसा नहीं है कि मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं करती हूँ, बट काफी ब्रांड्स जो होती है वो एक्चुअली, मेरा क्राइटेरिया ये है, स्टार्टिंग से मैंने ये रखा है कि लाइक प्रोडक्ट्स यार ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 300, 400, 500 तक के मैक्स प्रोडक्ट आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यार 500 रुपये के प्रोडक्ट्स में एक ब्रांड आपको लाइक खरीद लेती है, वो जैसा बोलेगी आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो या नहीं हो. तो 500 रुपये की चीज़ के कारण आप 1000 लोग जो आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं उनका फेथ आप कैसे खो सकते हो. तो मेरा स्टार्टिंग से फंडा ये है, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं कि यार क्या है ये प्रोडक्ट, तुम खुद परचेज कर लो ना, खुद यूज़ करके उसका रिव्यू कर दो. क्या मतलब एक ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेज रही है और उसके पीछे आपको जो वो बोलेगी वो बोलना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट मेरे नॉन स्पॉन्सरशिप वीडियोज ही होते हैं. एंड जो स्पॉन्सर वीडियोज होते हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ कि दिस इज स्पॉन्सर वीडियो. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, बट मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि जैसा मुझे प्रोडक्ट लगेगा वैसा ही मैं बोलूंगी अपने वीडियोज में. अगर यस मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो मैं उस पर वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी, अच्छा बोल के तो इनफैक्ट कभी नहीं बनाऊंगी. तो जो ब्रांड मान जाती है इस चीज के साथ तो तभी मैं उनका वीडियो बनाती हूँ, और जैसा प्रोडक्ट रहता है वैसे ही मैं डिटेल देती हूँ. सो या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है जतिन खत्री ने, प्लीज सजेस्ट मी गुड शैम्पू आई हैव ट्राइड. मतलब इस शैम्पू के बारे में ही बोल रहे हैं तो मैं उनको अलग से रिप्लाई कर दूंगी, इसके अंदर लाइक आंसर करने का कोई मतलब नहीं है. एंड गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है ज्योति परमार ने कि हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड यूट्यूबर लाइफ. तो गाइज, ऐसे कोई लाइफ को मैंने कभी सेपरेट नहीं किया है कि ये मेरी यूट्यूबर वाली लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है. मेरी दोनों लाइफ साथ में ही चलती है. यूट्यूबर वाली लाइफ मीन्स कि जो आप वीडियो बनाते हो, शूट करते हो, उसी में आपको स्पेस लगती है, अदरवाइज तो आपकी पूरी ये पर्सनल लाइफ ही होती है. और इनफैक्ट व्लॉग्स में तो आप अपनी सारी पर्सनल लाइफ ही दिखाते हो. तो यूट्यूबर लाइफ और जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो कभी अलग नहीं होती है, साथ साथ चलती रहती है. बस जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जो टाइम है वो मैं रूम बंद करके अपना वीडियो शूट करती हूँ. तो इसके लिए मुझे अपने मेरे बेटे को हस्बैंड के पास छोड़ना पड़ता है, वो थोड़ा खेलता रहता है, टीवी देखता रहता है, और हस्बैंड का ऑफिस काम चलता रहता है. तो इस तरह से सारा सब कुछ मैनेज हो जाता है. एंड रही बात एडिटिंग की, तो जब मेरा बेटा सोता है रात को, दिन में तब मैं अपनी एडिटिंग, थंबनेल और टैग्स वगैरह जो भी लगाने होते हैं वो वाला काम करती हूँ. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है जिनी वर्मा ने कि हेलो, आई वांट टू आस्क अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब व्हाट डू यू डू इन योर डेली लाइफ. तो यार डेली लाइफ में फिलहाल तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सबकी लाइफ सेम चल रही है. उठो, खाओ, पियो, बनाओ, सो जाओ, थोड़ा सा अपना ऑफिस काम जो आप अदर करते हो वो कर लो. तो एज सच कोई भी डिफरेंट वाला डेली लाइफ नहीं चल रही है अभी. और तो मैंने अपने व्लॉग्स वीडियोस भी डाले हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, मैं कैसे अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ. तो वहां पे आपको व्लॉग्स में अच्छे से पता चल जाएगा. नेक्स्ट पूछा है ऑल हबीबी ने कि ला ऑर्गेनो शैम्पू कैसा है, प्लीज बताइए. तो आप वो मेरे चैनल पे जाके रिव्यू देख सकते हो. एंड इनफैक्ट एक बेस्ट शैम्पू करके भी वीडियोस है, वहां पे भी मैंने ला ऑर्गेनो के बारे में बताया है, तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट है देव यादव ने कि हालचाल बता देना जिंदगी के बारे में. तो यार हालचाल तो जो आपके चल रहे हैं वही हमारे चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं है. बट या अभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट किया है, थोड़ी सी लाइफ ऐसा लग रहा है ट्रैक पे आने लगी है. इनफैक्ट घर से तो थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, चाहे अकेले ही वॉक कर रहे हैं. तो थोड़ी सी लाइफ लाइक 2 महीने पीछे जाके देखें तो अभी थोड़ी बेटर लग रही है. थोड़ा सा बाहर वगैरह निकलना स्टार्ट किए हैं, अच्छा लग रहा है. और मैं पुणे में रहती हूँ तो पुणे का वेदर भी बहुत अच्छा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो हालचाल अभी मस्त चल रहे हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है साजिया अली ने कि प्लीज शेयर योर यूट्यूब जर्नी एंड आपकी फैमिली के बारे में, शादी कब हुई एंड आपकी एजुकेशन. तो मेरी शादी हुई थी 2014 में मार्च में. एंड फैमिली के बारे में, फिलहाल मैं पुणे रहती हूँ, हस्बैंड एंड मेरा बेटा है, हम तीनों रहते हैं यहाँ पे. और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, तो मेरा जो मम्मी का घर है वो राजस्थान में है. एंड जो मेरा ससुराल है वो लोग भी बेसिकली बिलोंग्स तो राजस्थान से करते हैं, बट अभी महाराष्ट्र में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से. तो ये यूट्यूब जर्नी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है शिवा प्रिया गौरांग ने कि व्हाट वाज योर जॉब एंड प्रोफेशन. तो मैं पहले आईटी
कंपनी में जॉब करती थी, तो 3 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी के अंदर। एंड उसके बाद मैंने 1 से 1.5 साल एज ए लेक्चरारशिप पुणे के अंदर एक कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो मुझे आईटी कंपनी का भी एक्सपीरियंस है और टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा है चंचल शर्मा ने कि दी प्लीज शेयर योर यूट्यूब जर्नी फॉर स्टार्टिंग वे। लाइक स्टार्टिंग में सबकी जर्नी एक जैसी होती है यार, मतलब यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इतना कॉम्पिटिशन है ना यहाँ पे, आप मान नहीं सकते हो। अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करो, अच्छा है, बहुत फ़न है, बहुत मज़ा आता है। बट बेसिकली मैं अगर आपको बोलूँ तो स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ है। लाइक अगर आपको 1000-2000 सब्सक्राइबर्स तक थोड़ा सा टफ लगता है और व्यूज़ भी नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, टाइम साथ साथ निकलता जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तब तब जाके आपको थोड़ा सा अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छा सपोर्ट मिलता है सबका। तो यस, बेसिकली मेरी जर्नी भी ऐसी ही थी, स्टार्टिंग थोड़ी सी टफ थी, आई थिंक 6 मंथ्स तक काफ़ी टाइम लगा था व्यूज़ के लिए भी, सब्सक्राइबर्स के लिए भी, बट अभी मुझे ठीक है, अच्छा है, जैसा है मैं खुश हूँ। कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो, कम व्यूज़ आ रहे हो, बट जो भी चल रहा है, आई एम हैप्पी विथ माई यूट्यूब चैनल। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है ओपी गेमर ने, उनका है यूट्यूब इनकम। बेसिकली मैं बोलूँ तो यूट्यूब की इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती है, एवरी मंथ चेंज होती है और सारा डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे, आपके जो वीडियो चल रहे हैं उस पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है, कितने लोग स्किप कर रहे हैं, जैसे ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है यूट्यूब पे, एड पे और व्यूज पे। हम लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं है, कंटेंट बनाना है, कितना भी आप एफर्ट डाल के वीडियो बनाओ, अगर वो चलेगा ही नहीं, व्यूज ही नहीं आएंगे, और व्यूज आने के बाद भी अगर उस पे एड नहीं आएंगे तो कोई भी मैटर नहीं करता है। तो यस, मेरी जो यूट्यूब इनकम है अभी बिल्कुल भी फिक्स नहीं है गाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बहुत ज्यादा अभी व्यूज नहीं आते हैं, नॉमिनल ही व्यूज आते हैं मेरे। तो जब भी मुझे लगेगा कि मेरी YouTube इनकम फिक्स हो गई है, इतना तो मुझे एवरी मंथ आ ही रहा है मिनिमम, तो ज़रूर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डोंट वरी, बहुत सारे Q&A सेशन आगे आने वाले हैं, तो मैं फॉर श्योर अपना YouTube इनकम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अभी एज सच कुछ भी बताने लायक नहीं है, ना कोई फिक्स है, कभी आ जाता है अच्छा, कभी नहीं आता है नेक्स्ट मंथ, तो ऐसा ही चल रहा है। या गाइज, इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जिन्होंने पूछा है कि इसका रिव्यू कीजिए, ये कैसा है, वो कैसा है, तो वो मैं आपको सेपरेटली उस पर रिप्लाई कर दूंगी। जितने भी क्वेश्चन से मैंने सबका आंसर किया है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप नेक्स्ट Q&A सेशन चाहते हो क्या। अभी तो लाइक काफ़ी Q&A डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चल रहे हैं, लाइक स्पाइसी वाले चल रहे हैं, अजम्पशन चल रहा है, तो जैसा भी आप चाहते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे काफ़ी मज़ा आया यार अपने बारे में आप लोगों को आंसर करते हुए। तो या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.